हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि जो आप चीज़ डिमांड करोगे वो मैं आपकी लेकर आऊँगा। आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, और जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो आपकी मैं लेकर आता रहूँगा। एक भाई ने मुझसे डिमांड करा, उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में किसी में शो ही नहीं किया है। और मसला ये था कि उन्होंने ये बताया कि भाई मुझे ना 1962 मॉडल का टैंक चाहिए जिसके अंदर मोनोग्राम इंस्टॉल हो जाए, मतलब मोनोग्राम लग जाए उसमें और टैंक पैड भी लग जाए। तो ऐसा ना टैंक ना आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको तैयार कराना पड़ता है। मेरे पास कॉन्टैक्ट है, तो मैं ऐसा टैंक क्या कोई भी चीज़ तैयार करा सकता हूँ, क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट होना इतना आसान काम नहीं होता है। तो बाकी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने उनके लिए मैंने टैंक तैयार कराया। भैया ने मेरे ऊपर भरोसा तो पहले भी किया था, उन्होंने कहा ये शायद थर्ड ऑर्डर है, हाँ महाराष्ट्र से थर्ड ऑर्डर है। तो मराठी लोग तो वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि पता है मराठी लोगों के अंदर एक बात ये है, बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, और जिसको बोलते हैं कुछ उर्दू में बोलते हैं मेहमान नवाज़, वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होते हैं। तो खैर कुछ बिज़ी हूँ मैं, मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र के ना सारे शहरों के नाम भी याद हो गए, और मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर बहुत जल्दी, और पता नहीं कितनी खातिर होगी, क्या क्या होगा, किधर किधर मैं जाऊँगा, कौन कौन से शहर जाऊँगा, क्योंकि हर कोई ये बोलता है बिल्ला भाई प्लीज़ एक बार आ जाओ, प्लीज़ एक बार आ जाओ, प्लीज़ एक बार आ जाओ, हमारी मेहमान नवाजी भी देख लो। तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, महाराज जाऊँगा, बहुत सारी सिटीज़ उसके व्लॉग्स में डालूँगा। तो बाकी मैंने उनके लिए टैंक तैयार कराया था, ये डी कंप्रेसर का लीवर उन्होंने मांगा था। तो उन्होंने वीडियो की डिमांड नहीं की थी, उन्होंने ये तो बोला था कि भैया आप टैंक तैयार कराओ, आपके ऊपर बहुत भरोसा है, उनके मैंने भरोसा का बरकरार रखा हो। बाकी ये है, एक भैया का मेरे पास में नागालैंड से, नागालैंड था या मिज़ोरम था क्या था मुझे ठीक से याद नहीं है, अभी देखो मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। उन्होंने ये बोला कि भैया कोई ऐसा पेन आता है कि उस पर पिन स्ट्रिपिंग होती है, तो उन्होंने ना फैक्ट्री की वीडियो भेजी जो रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री में ये गोल्डन कलर की लाइनिंग की पिन स्ट्रिपिंग होती है। तो ब्रदर ऐसा बहुत से सिटीज़ में स्टिकर से करते हैं और कुछ पेंट से करते हैं, तो हमारे दिल्ली में एक ही बंदा है, बहुत ठीक पैसे लेता है मैं तो बोलूँ। बाकी दिल्ली में मेरे से बहुत लोगों ने कांटेक्ट करा है और मुझसे आकर मिलते हैं, मैं उनका करा देता हूँ काम, उसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं, आओ डायरेक्ट करा लो। बाकी आपको अगर टैंक भेजना है, पिन स्ट्रिपिंग कराना है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी देखो ब्लैक पेंट तो कहीं भी हो जाएगा, मगर ये गोल्डन पिन स्ट्रिपिंग जो करना है ना, इतना मुश्किल काम है मैं बता नहीं सकता। बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल जो डायमेंशंस होते हैं एग्जैक्ट वहीं से लाइन घुमाते हैं, बहुत मैं कहता हूँ ऊपर वाला खुदा उनकी उम्र दराज करे, उनकी उम्र हो लंबी हो, भैया जो ये पिन स्ट्रिपिंग करते हैं, और ये पिन स्ट्रिपिंग इतनी प्यारी करते हैं ना कि मैं मतलब उनकी तारीफ करते नहीं थकता। तो ये पिन स्ट्रिपिंग हो जाती है यहाँ पर दिल्ली में बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल के जैसी, वही कलर यूज़ करते हैं, वही डायमेंशन दोनों के अंदर, मतलब जितना ये आप अगर देख पा रहे हो तो जितना ये मोटी है उतना ही बीच में ब्लैक गैप, उतना ही ये, क्योंकि ओरिजिनल पिन स्ट्रिपिंग अगर आपको देखनी है तो मैं अपनी पुरानी वाली बुलेट पर कभी दिखा दूंगा। बाकी ये टैंक मैंने उनके लिए 1962 मॉडल तैयार किया, देखिए इस पर ये मोनोग्राम्स ब्रास के लगाए हैं, ये ब्रास के मोनोग्राम से आप देख सकते हैं, बाकी इसमें कॉम्पेटेबल हैं, ये टैंक पैड यहाँ पर लग जाएंगे ऐसे करके उन्होंने ये बोला था, भैया ने जिन्होंने तैयार करा उन्होंने कब बोला था कि आपसे ही मैंने टैंक पैड लिए थे और अब मुझे टैंक चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने उनका भी ये तैयार करा दिया, अब इसकी मैं बहुत अच्छी पैकिंग करके उनको भेजने वाला हूँ महाराष्ट्र। और जैसे कि आपने ये टैंक देख ही लिया, बाकी मैं आपको ना कैमरे से सब तरफ से दिखा देता हूँ, ये पिन स्ट्रिपिंग कलर की क्वालिटी सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया टैंक है, बहुत ही बढ़िया, और ओरिजिनल से ज़्यादा वेट होता है इसका। अब जब उठाएंगे, मैं तो उठा रहा हूँ ना, मुझे महसूस हो रहा है मगर इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, मेरे ख्याल से उससे 1 या 2 किलो ऊपर ही होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, अच्छा आयरन से बना हुआ है। बाकी इसमें पूरा ये टैंक तैयार हुआ है, ब्लैक कलर करा है, पिन स्ट्रिपिंग करिए, ब्रास के मोनोग्राम्स लगाएं, टैंक पैड कहोगे लगा कर दे दूंगा। ये मैंने टैंक पैड इस वजह से लगाए क्योंकि कुछ लोग को टैंक पैड नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उनकी 2010 मॉडल बुलेट है, 2007 मॉडल है, 2005 2003 है, तो उनको तो ऐसा ही टैंक चाहिए होता है। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया कि टैंक की क्वालिटी और साइज़ वाइज सब ये बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, पिन स्ट्रिपिंग करी हुई, इससे बेहतर पिन स्ट्रिपिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब मैंने बोल दिया, बिल्ला भाई ने बोल दिया, आप लोग बोलते हो यार कि बिल्ला भाई आप ब्रांड हो, जो आपने बोल दिया वो सलाह आने सच है। तो ये पिन स्ट्रिपिंग की डायमेंशन सब वही है जैसा ओरिजिनल की होती है, बहुत बढ़िया टैंक है, मतलब लगा दोगे ना तो ये बोल, किसी से भी ये बोलोगे कि मेरे टैंक का कलर ओरिजिनल है तो वो मानेगा। तो बाकी इसके अंदर रस प्रूफिंग सब कुछ करा हुआ, सब बढ़िया टैंक है, और ये कुछ तैयार होता है भाई इसमें लागत तो बहुत ज़्यादा लगती है, भागना बहुत पड़ता है। भैया ने मुझे जिस टाइम पे एडवांस दिया था ना,
उसके बाद में भैया को खुद देख रहा हूँ वीडियो, उनको खुद पता है कि एक महीने लग गए इसको तैयार करने में, क्योंकि ऑर्डर्स और भी साथ में बहुत कुछ होते हैं, बाकी सारे के सबके ऑर्डर्स मैं तैयार कराता रहता हूँ। तो ये टैंक आप मुझसे ले सकते हैं, बाकी मैं और इसके डायमेंशंस आपको दिखा देता हूँ। दर्स ये है हमारा 1962 मॉडल का टैंक, और इसको अगर टैंक पैड नहीं लगा हो तो ये 1962 का नहीं रहता है। देखो ये टैंक नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। आप अगर देख लो, देखो इसके अंदर स्क्रू टैंक के अंदर वेल्ड करे हुए हैं, ये यहाँ पर स्क्रू लगेगा, स्क्रू कंफर्टेबल है, ये देखो यहाँ पर ऐसे टैंक पैड लग जाता है, तो ये 1962 का टैंक बन जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, उनके पास में टैंक पैड हैं जिनको मैंने ये टैंक दिया, तो इस वजह से मैं लगा कर नहीं दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको रख कर दिखा दिया। ये आराम से लग जाएगा, और ये देखिए 1962 कंफर्टेबल टैंक है। बाकी अगर आपको 2008 2009 1996 1980 मॉडल के लिए उसमें टैंक पैड नहीं आते थे, तो ये आप ये देख सकते हो। बाकी मैं इधर से दिखा दूँ, ये इसके अंदर ये टैंक कैप की ये कॉम्पेटेबिलिटी, ओल्ड वाला टैंक कैप राउंड वाला लग जाएगा। पिन स्ट्रिपिंग की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक भैया ने, मैं उससे बोला था, मैंने आपको अभी भी वीडियो में बताया था कि पिन स्ट्रिपिंग नहीं हो पा रही है, भैया नहीं होगी, अपने दिल्ली में ही है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल के जैसे, मतलब जैसे वहाँ पर ओरिजिनल में कर्व्स आते हैं ना, देखो बिल्कुल वही कर्व्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हैं, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल बुलेट है ना, ओरिजिनल 2009 मॉडल बुलेट है, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि जितनी मोटी ये देखिए, जितनी मोटी ये लाइन होती उतना ही डायमेंशन का यहाँ पर गैप होता है ब्लैक कलर में, ये पतली सारी ये पिन स्ट्रिपिंग ये जाती है, तो ऐसा ही टूल बॉक्स पे लग जाती है। पिन स्ट्रिपिंग करानी हो तो आपको मुझे टैंक और टूल बॉक्स, क्योंकि दो चीज़ों पर होती है, वो आपको मुझे बहुत अच्छे से पैक करके भेजना होंगे, और मैं आपको पिन स्ट्रिपिंग करा कर वापस दे दूँगा। तो बाकी ये टैंक की वीडियो मैंने आपके लिए दे दी है, तो दोस्तों बिल्ला बिलिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टैंक मैंने आपको हर तरीके से दिखा दिया है, तो आप मुझे बल्ला बिलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी बात हो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लें, आपका भाई हमेशा आपके लिए यहाँ पर बैठा है। थैंक यू दोस्तों, बाय।